विकास गुप्ता को अली गोनी ने कहा खूबसूरत महिला, तो जैस्मीन भसीन ने यूं संभाला मोर्चा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों, बिग बॉस 14 से जैस्मीन का सफर भले ही खत्म हो चुका है, मगर अभी भी घर से बाहर आकर जैस्मीन अपने बॉयफ्रेंड अली गोनी को फुल सपोर्ट कर रही हैं। अभी हाल ही में हम आपको बता दें कि यहाँ पर नागिन स्टार यानी कि जैस्मीन ने विकास गुप्ता को निशाना बनाया। दरअसल हुआ क्या कि विकास गुप्ता ने अली गोनी की निंदा करते हुए एक ट्वीट की थी, जिसका जवाब जैस्मीन ने बड़े ही कड़े अंदाज में दिया था। विकास गुप्ता ने एक इंटरनेट यूजर की शेयर की हुई क्लिप को रीट्वीट करते हुए लिखा था, पवित्रा भाई हो या पवित्रा भाभी, इंसान हूँ। निराशाजनक है ये कि ये इडियट्स महिलाओं को लेकर अपमानजनक कमेंट्स कर रहे हैं। ये क्लिप दिखाती है वो लोग कौन है। अली गोनी, शुक्रिया तुम्हारा कि तुम्हें मुझ में खूबसूरत महिला दिखती है, ये एक तारीफ है। शेयर की गई इस क्लिप में अली गोनी ने ये बात तब बोलते हैं जब राखी सावंत अर्शी खान को अपने भाई विकास गुप्ता का नाम नहीं लेने के लिए कहती है। वहीं राखी सावंत अर्शी खान को कहती है कि तुम अपनी गंदी जुबान से मेरे पवित्र भाई का नाम मत लो। इस पर अली पीछे से कमेंट करते हुए कहते हैं, भाई है भी वो या पवित्रा भाभी है। विकास के इस कमेंट पर तुरंत भड़कते हुए जैस्मीन ने रिएक्ट किया। जैस्मीन भसीन ने लिखा, या तो सही में तुम अली गोनी की बात को समझे नहीं, और शायद तुम वाकई में उसकी बात को समझना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए उसने साफ तौर पर कहा पवित्रा भाभी, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो पवित्रा पुनिया घर की एक कंटेस्टेंट थी जिसने एजाज खान के लिए अपने प्यार का खुलासा किया था। समझे मास्टरमाइंड जी, इसीलिए ठंडे हो जाओ और जल्दी ठीक हो। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैस्मीन और विकास की बिग बॉस के घर में कभी एक दूसरे से नहीं बनी। मास्टरमाइंड विकास गुप्ता जैस्मीन और अली गोनी के निशाने पर हमेशा ही रहते थे। अब जब विकास गुप्ता घर से बाहर हो गए थे अपने हेल्थ इश्यूज को लेकर, तो वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे, जबकि जैस्मीन भी बाहर आने के बाद अली गोनी को खूब सपोर्ट करती नजर आ रही हैं। जबकि अब विकास गुप्ता बिग बॉस के घर में पूरी तरह से ठीक होकर आ चुके हैं वापस। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।